हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। सर 3.1 में अपन ने रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज किया था, अब डेसिमल नंबर से अपन रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर इन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। तो जैसे 3.4 है, तो 3.4 को चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जितने नंबर्स के पहले डेसिमल है उतने जीरो लगा देते हैं। वन नंबर के बाद में तो 34/10। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इनको क्या डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 17/5 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड है -0.49 = तो -0.49, तो 49 का क्या हो गया 49। कितने नंबर्स के बाद में 2, तो 400 कैंसिल नहीं हो रहा तो नंबर आ गया -49/100। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग नंबर, सबसे पहले क्या है एडिशन करना है, उसके बाद इनको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में चेंज करना है। तो 1.8 + 2.7 = कितना हो गया 4.5। बिल्कुल इसी तरीके से वन नंबर के बाद में क्या है डेसिमल है, तो 45/10 क्योंकि वन ही है, तो 45/10 फाइव से कैंसिल हो रहे हैं, 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10, 9/2। इसी तरीके से ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है 20 + 20.82 - 7.62, तो माइनस है, ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए या डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 7 गया 3 और 1, 13.20। तो इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो 13.20 / 1 = 2 = 0 = 100। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, अब 132 2 से डिवाइड जा रहा है, 6 × 12 = 66/5। इसी तरीके से इसका 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन है ये थर्ड वाले का है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है इसको ऐड करेंगे, 512.6522, बोला था तो इस डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 5, 8, 2, 3, 7, 732.85। इसको माइनस करना है किसमें से 676.25%। तो बड़ा कौन सा है ये है, तो इसको कहां लिखेंगे ऊपर 732.85 माइनस 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 7 गया 5, 56.60। तो 56.60 आया, तो इसको लिख सकते हैं 56.60/100, 0 से 0 कैंसिल। अब अपन देंगे डिवाइड 2 का, 283/5 यह आ गया इसका नंबर। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज P/Q, यानी कि इनको मल्टीप्लाई में एंड डिवीजन में दे रखा है, इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं, तो 12.32 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6, थर्टी टू का 2 यहां पे लिख लिया,
और 3 कैरी। अब 16 थ्री जा 48 और 3 51, 1 यहाँ पे 5 कैरी। 16 टू जा 32 और 5 37, 3 कैरी। 16 वन जा 3 16 और 3 90। अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 तो ऊपर है और 1 कहाँ है नीचे, तो 3 के बाद में डेसिमल लग जाएगा, तो अपना नंबर आया 19712 अपॉन 1000। अब इसको कैंसिल करना है, 4 से कैंसिल हो रहा है तो 125, 4 से करेंगे तो 4 जा 16, 3 4 9 जा 36, 1 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32। इसी तरीके से नेक्स्ट को कर लेंगे, 2 जा 4, 4 2 जा 8, और डेसिमल कितने के बाद में हो गया, 2 1 3 और 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 3 6, ये डेसिमल आ गया। अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 अपॉन 1 के बाद में 3 और 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 8 का डिवाइड दे देंगे 1 अपॉन 125 और 000, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं, इसका 12.5 है, ये डिवाइड हो रहा है 0.5 के स्क्वायर से, तो 12.5 0.5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद में डेसिमल, डेसिमल हटाएंगे 125 अपॉन 10 इंटू 25 इंटू 100। अब 25 फाइव ला और 10 से जीरो से जीरो कैंसिल, तो आंसर आया अपना 50। इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।